है कि हाँ सर्दी वाला मौसम शुरू हो चुका है थोड़ा मौसम में ना तो ठीक है ये ले लिया अपन ने खाने पीने का तो सामान ले लिया सारा अब फोन लगा दिया स्टैंड पे पर अब थोड़ा सर्दी वाला मौसम आ चुका है पहले ही बताया मैंने बट उस दो हाय गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आई होप यू ऑल गुड एंड सेफ और बहुत बढ़िया हो गए मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ मस्त हूँ सो फिलहाल आप सबको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ यार कि आज अपना बन रहा है 100वां व्लॉग मतलब 100th व्लॉग बन रहा है आज हमारा तो आप सबको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और मुझे भी कि मैं अपने 100 व्लॉग पूरे कर दिए फाइनली अपन ने हमारे 100 व्लॉग मतलब बना चुका हूँ मैं मेरे को कभी ऐसे था कि यार मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा और चीज़ें डाउट होती थी कि करेंगे कभी शुरू करेंगे पर आज 100th व्लॉग बन रहा है तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है और मेरे को भी बहुत ऐसा है कि हाँ यार चलो कुछ चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है अच्छा है और आज थोड़ा सा ना बाल पे कम ध्यान देना क्योंकि बिखरे बिखरे से हो रहे सो फिलहाल और दूसरी चीज़ आज जो ये है कि वो है आज पापा जी का बर्थडे है तो आज पापा जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और देख रहे हो दोनों चीज़ें क्या कोइंसिडेंस बैठा है दोनों चीज़ें साथ में आज सेलिब्रेशन उसका भी करेंगे 100th व्लॉग का साथ में हो जाएगा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि 100th व्लॉग ऐसा कुछ स्पेशल मतलब थोड़ा बहुत सोचा था यार मैंने कि 100वां व्लॉग कुछ बढ़िया सा करेंगे या छोटा मोटा कुछ मंगा लेंगे पर कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि आज 100th व्लॉग ऐसे दिन बन रहा है कि आज पापा जी का बर्थडे है तो दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं एंड अभी फिलहाल टाइम बज रहे हैं एग्जैक्ट 2 इसमें तो 00:05 दिख रहा है तो एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं तो अभी यार अभी फिलहाल सीन ऐसा है अभी थोड़ी देर में जाएंगे मैं ही जाऊंगा अकेला बाहर थोड़ा सा मतलब खाने पीने के लिए चीजें लाऊंगा स्नैक्स वगैरह जो अपन सेलिब्रेट करेंगे और केक वगैरह भी आएगा तो सारी चीजें लेकर भी आनी है और अभी जाएंगे अभी तो लंच टाइम है तो लंच करेंगे पहले फिर उसके बाद थोड़ी देर में निकलेंगे एंड यार एक चीज है आजकल ना धीरे धीरे आप कह सकते हो कि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है 5th अक्टूबर है आज पापा जी का बर्थडे तो गर्मी धीरे धीरे जाने लगी है ऑब्वियसली बात है सर्दी आएंगी अब तो अब यार मौसम थोड़ा सा ना चेंज भी हो गया एंड आजकल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ सर्दी वाला मौसम शुरू हो चुका है थोड़ा मौसम में ना तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं रहती अब पर हल्की हल्की जैसे ठंडपन जो होता है ना वो वाला जो मौसम स्टार्ट हो जाता है वो हो चुका है और आज मौसम देखोगे कुछ खास तो नहीं है पर फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि अपनी बालकनी का व्यू इतना बढ़िया है तो मन तो करता है यार मेरा दिखाने का तो ये यार फिलहाल आज का ऐसा मौसम है अच्छी खासी धूप निकल रही है और बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है बट धूप तेज़ है बट अब यार ऐसा मौसम हो गया है कि धूप ना थोड़ी सर्दियों वाली लगती है इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है चलो भाई पहले करते हैं लंच फिर उसके बाद जाएंगे सामान लेने और आपको साथ लेके चलेंगे तो जुड़े रहो देखते रहो मज़ा आएगा ब्लॉग में और आज पापा का बर्थडे है तो सब कमेंट में डाल देना हैप्पी बर्थडे टू अंकल जी और जो जो देख रहे हैं और जिस जिसका जैसे जैसे लगे आपको वो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो भाई यार निकल चुका हूँ मैं और अकेला ही हूँ आज कोई नहीं है साथ में क्योंकि बस अपने को जाकर फटाक से सामान ले आना है खाने पीने का और वापसी आ जाएंगे फिर घर और केक भी लाना है साथ में मतलब है 5-6 चीज़ें जो कि बस 2 जगह से मिल जाएंगी अपने को खाने पीने का एक जगह से और केक डोनट से ले आएंगे और यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे कार में ही याद आते हैं शेड्स और धूप तो है अच्छी खासी तेज़ है धूप पर फिर भी हवा चल रही है और अब भी ठीक है मतलब आज मौसम ऐसा है कि धूप रहती है यार पर अब थोड़ा सर्दी वाला मौसम आ चुका है पहले ही बताया मैंने बट उस धूप वाला ना ऐसा लगता है कि बैठ सकते हो आप थोड़ी बहुत देर ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा पर आप धीरे धीरे चेंज हो रहा है अक्टूबर आ गया है ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वीक चल रहा है अक्टूबर का तो वही रीज़न है एंड यार अपन को जो सामान लाना है वो ले आते जल्दी से और पहुँचते हैं क्योंकि अपन का प्लान है 4-4:30 अराउंड केक कटिंग करने का तो अभी फिलहाल 3 बज रहे हैं 3 बजे निकल गया हूँ मैं 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें ले आऊँगा पहुँचता हूँ यार फटाफट और इतने आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो और ये थोड़ा सा ना धूप की वजह से रिफ्लेक्शन जब पड़ती है तो कभी डार्क हो जाता है फेस कभी सही दिखाई देता है तो वो चीज़ है इस चीज़ से देखो फिर से वैसी हो गया और अभी ये आ रहा है इधर से धूप की वजह से अभी दिखाऊंगा अभी कोई ट्रक आएगा ना मेरे साइड में तब देखना आप लोग आ जा अब अपन आ गए हैं ट्रक के साइड में अभी ले अभी आगे गाड़ी है यार ओवरटेक नहीं कर सकता मैं इसलिए कोई नहीं वो तो डायरेक्शन चेंज होती सही दिखने लगूंगा मैं
तो वही है, जब सूरज कवर कर लेता है कोई साइड से तो सही हो जाता है, नहीं तो अब ब्रिज के नीचे अब सही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही है। तो यार अपन पहुंचते हैं जल्दी से, और आप लोग, मेरे को पहुंचने में लगेगा कितना, 15-20 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो अपन पहुंच जाते हैं और आप लोग इतने टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं पहुंचता हूं। और हाँ, कहने की यार जरूरत ना पड़ा किया करे, लाइक कर दिया करो यार बिना बोले, और जो भी नए लोग देखते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, या जो भी नीचे आ रहा होगा इसको यार प्लीज देख के ऐसे मत कर दिया करो स्किप, साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहा करो। तो चलो एंजॉय करो टाइम लैप्स। सो भाई यार सामान ले लिया अपन ने, दिखाते हैं आपको, वो रखा पीछे। अरे जल्दी आ रही है, ये रखा भाई सारा सामान, वॉल्यूम कम कर देता हूँ। ठीक है, ये ले लिया अपन ने, खाने पीने का तो सामान ले लिया सारा, अब फोन लगा दिया स्टैंड पे, और अब जाना है अपन को कहाँ पे, डोनल्ड्स पे केक लेने। तो आवाज सी आई, मैंने कहा पता नहीं किस चीज की आवाज है, कोई नहीं यार अब जल्दी से पहुंच जाते केक लेने, फिर टाइम तो हो गया काफी, आधा घंटा मुझे लग गया यहाँ पर, 3:22 हो रहे हैं अभी, और 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं केक वाले के पास, और फिर केक लेके घर निकलते हैं, और घर निकल के फिर आपसे आराम से बात करते हैं। तो फटाफट केक ले लेते हैं। बर्थडे टू यू, फूंक मारो, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं तो भाई यार फ्री हो गए हैं अपन लोग, सब लोग लेट चुके हैं जाके, आज सच में ऐसे थोड़ी थोड़ी थकान हो रही है, क्योंकि पहले क्या था, पहले पापा के एक फ्रेंड आ गए थे घर पे, आ गए वो केक ले आए, फिर उनका केक कट किया था, वो आप लोगों ने वो भी देखा, फिर उसके बाद जो केक मैं लाया था वो तो बस ये मान लो ऐसी कट, मतलब उसको कट नहीं कर पाए हम लोग बस वो बटने में ही गया, क्योंकि बीच में ऐसा था कि और 2-3 फ्रेंड आ गए थे पापा के, और जो छोटा केक जो उनके पापा के दोस्त लाए थे वो खत्म हो गया था, फिर वो वाला काट दिया। और हाँ, और एक अभी अब लास्ट में आपने वो वाली भी देखी होगी क्लब हाउस में, पापा के जो काफी फ्रेंड्स थे उन्होंने सेलिब्रेट करा, तो वहां पर भी एक केक कट हुआ था, देख रहे हो पापा के कितने केक कट हुए थे, इतने तो हमारे भी नहीं होते सो यार फिलहाल अभी टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 10:15 बज रहे होंगे आई गेस। तो अभी यार मेरे पास फोन नहीं है, तो अभी ऐसा सीन है, बस अभी यार सीधा लेट जाएंगे, और थोड़ी देर में
अपन सो जाएंगे। एंड हाँ यार, साथ में आज यार 100th व्लॉग है अपना। आप लोग सुबह भी बताया था मैंने और अभी दोबारा बता रहा हूँ, तो 100 व्लॉग हम अपन ने पूरे बना लिए। कहाँ सोचा था कि यार शुरू करेंगे, कैसे करेंगे सारी चीजें, तो करते करते 100 व्लॉग भी पूरे हो गए हैं। आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्यार दिखा रहे हो, बस उस प्यार को मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग्स में अगर कुछ भी जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो या जो भी सजेशन हुआ करे कॉमेंट में बता दिया करो, मैं भी इम्प्रूव करूंगा और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊंगा। अपना 100वां व्लॉग है, 100th व्लॉग है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है आज इसी बात पे। मुझे पता है देखते सब लोग हो पर लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दिया करो यार और कमेंट में भी बता दिया करो कुछ कुछ चीजें। सो आप लोगों से मैं यही होप करता हूँ हर बार कि जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को पसंद आती है वो चीजें, तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट दिखाते रहो। सो आज के ब्लॉग को यार करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।